आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है जैन समाज सुधार सभा एवं भगवान महावीर सेवा समिति सीपी ब्लॉक पीतमपुरा दिल्ली। आपके चरणों में निवेदन करते हैं हम परम पूज्य वित्ताचार्य वित्तनंदी महाराज जी के आशीर्वाद से शिवचार्य महाराज जी के मंगल सानिध्य में वेदी उत्थापन बिंब स्थापन अनुष्ठान क्रिया संपन्न कर रहे हैं। आपके चरणों में निवेदन है यह कार्य सानंद संपन्न हो, इसलिए आशीर्वाद प्रदान करें, संबल प्रदान करें, जिससे समस्त अनुष्ठान जिन शासन की प्रभावना के साथ गरिमा महिमा के साथ धर्माचरण करते हुए जीवन का उत्थान करने के उद्देश्य से जिनालय का पुनर्निर्माण करके पुनः वेदी प्रतिष्ठा करने का संकल्प करते हुए निवेदन करते हैं कि शिलालय के शासन रक्षक देव क्षेत्र रक्षक देव धरण पद्मावति यक्ष यक्षिणी सभी से निवेदन है हम यह अनुष्ठान समय सीमा के साथ धर्म प्रभावना के साथ धर्माचरण में वृद्धि करने के उद्देश्य संपन्न करना चाहते हैं। इस कार्य में जो भी अवरोध हो, जो भी व्यवधान हो, उनको दूर करते हुए जिन शासन की प्रभावना करने में सहयोगी बने सभी सादर आमंत्रित हैं। आपके सहयोग से यह कार्य शीघ्र संपन्न हो ऐसी भावना है। Om Shri Shri Radhe Shri Radha Jai Shri Radha
सर अश्विन नागदनी पिष्पियानी सर सबर जंगम प्रिटकी सर प्रतीक दोषनम सचिन प्रतीक दोषनम पर शत्रु कृत पचाचा कुटादन विदेशन मोन नशी दोषनम ओ साधुन से संस्कृति
जा रहे हैं। ये 14 नदियों में इसके जो हिमालय हैं है ना, उनको बड़े हर्ष आ रहे हैं। ओम ब्री परम ब्रह्मणे अनंत अनंत ज्ञान सत्य हर रूपमि की स्वाहा पूर्ण है। ओम ब्री परम ब्रह्मणे अनंत अनंत ज्ञान सत्य हर रूपमि की स्वाहा। ओम ब्री महापद्मस्थाने चित्तचित्तर नमः अर्जुन नमः इति स्वाहा। ओम तिंगे सदनस्थाने चित्तचित्तर नमः अर्जुन नमः इति स्वाहा। ओम स्वर्ण पूजा नदी देवतास्थाने चित्तचित्तर नमः अर्जुन नमः इति स्वाहा। ओम रूप पूजा नदी देवतास्थाने चित्तचित्तर नमः अर्जुन नमः इति स्वाहा। ओम रक्त नदी देवतास्थाने चित्तचित्तर नमः अर्जुन नमः इति स्वाहा। ए
एक नमोकार महामंत्र सुखकार है। एक नमोकार छत्तीस मूल गुण साचा ने धरते और नायक कहलाते हैं। करते स्वयं साधन उवचाय संग में और मार्ग बतलाते हैं। हो बंता विकार जिनका नाम जिन उचारा है मंगल में दुखहारा है। एक नमोकार महामंत्र सुखकारा है। एक नमोकार 28 मूल गुण साधु है पालते दिगंबर रूपधारी। शिवराह की राही मंगल है जिन ताई जो जिन पद के हितकारी। हो नैया मजेदार जिंग तू ही किनारा है मंगल में दुख आरा है। एक नमोकार महामंत्र दुखकारा है मंगल में दुख आरा है। एक नमोकार बोलो आदि मोक्ष का आधार हो आप नहीं आप सागर आप ही पतवार हो। हे गुरुवर आप मेरे मोक्ष का आधार हो। आप नहीं आप सागर आप नहीं आप सागर आप ही पतवार हो। हे गुरुवर आप मेरे मोक्ष का आधार हो। आपके वचनों ने मेरे मन का दर्पण धो दिया आप जो मेरे हुए तो मैं को मैंने खो दिया। ज्ञान की परिभाषा हो और सच का सच में सार हो। ज्ञान की परिभाषा हो और सच का सच में सार हो। हे गुरुवर आप मेरे मोक्ष का आधार हो। आप नहीं आप सागर आप ही पतवार हो। हे गुरुवर आप मेरे मोक्ष का आधार हो। आपके हाथों में मुनिवर अब मेरा ये हाथ है आपकी छाया में मैं हूँ तो दिन से उजली रात है। क्यों मेरी इस आत्मा पे वासना का भार हो। क्यों मेरी इस आत्मा पे वासना का भार हो। हे गुरुवर आप मेरे मोक्ष का आधार हो। आप नहीं आप सागर आप ही पतवार हो। हे गुरुवर आप मेरे मोक्ष का आधार हो। का पूरा ग्रुप अवेलेबल अभी आए हैं सारी क्रिया कराने के लिए। श्री दिगंबर जैन समाज सीपी ब्लॉक पीतमपुरा उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। जोरदार तालियां।
और मैं पी के जैन से कहूँगा कि वो तिलक लगा के पंडित जी का स्वागत करें। बोले आ जाओ। अब मैं माइक पंडित जी हम गुरुदेव के चरणों में नमन निवेदन करेंगे। जो खड़े भाई बैठ जाए सब लोग, भैया चटाई और बिछवा दें सामने, जो चटाई बिछा दें थोड़ा सा। हमारे व्यास जी जो पूजा कर रहे हैं, बहनों को कृपया सीखता से पूजा संपन्न करें, और जो जाप कर रहे हैं वो अंतिम जाप करके अब अगले जाप करेंगे। अज्ञान्तिम रांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री। बोना हो जाता है। आर्य का द्रौपदी माता जी हैं, हीमोग्लोबिन 6 है केवल, डॉक्टर कहते हैं बेड रेस्ट करें, वो 10-10 किलोमीटर बिहार कर रही हैं। डॉक्टर हैरान है कि ऐसे कैसे हो रहा है। तो ये जो तपस्या की शक्ति है, ये तपह शक्ति है, आत्मशक्ति है, आत्मसंबल है, ये सबसे बड़ा बल होता है। शरीर का बल काम नहीं करता। आप हम तो 4 बार भोजन करते हैं, उसके बाद भी पैदल चलने में मुश्किल हो जाती है, और महाशय एक ही बार करते हो फिर भी 10-10 किलोमीटर, वो शक्ति कहाँ से आती है? ये सब आत्मशक्ति का प्रभाव है। और हम जो मंदिर बना रहे हैं, ये मंदिर हम नहीं बना रहे हैं, हम कौन होते भगवान का मंदिर बनाने वाले? भगवान हमसे बनवा रहे हैं। हमें सौभाग्य मिल रहा है कि हम ऐसे जिनालय का निर्माण करने जा रहे हैं जहाँ हमारे आराध्य विराजमान होंगे। तो ये सौभाग्य हमको प्राप्त हो रहा है, ये सौभाग्य हमें प्राप्त हो और हम इस कार्य को पूरे संवेदना के साथ, अंतर्मन की भावना के साथ, जैसे भी वो हमारी स्वर्ण सौभाग्य बहनें आई थी, उनने क्रिया की, यहाँ तीर्थमंडल पूजा की। तीर्थमंडल लेने जितने भी 3 लोक में तीर्थ हैं, जहाँ जहाँ भी तीर्थ हैं, उन तीर्थों के जो जिनालय विराजमान हैं उनको अर्घ्य समर्पित करते हुए, जितने देवता हैं 3 लोक में उन सबको यहाँ आहूत करते हुए कि इस जिनालय की शुद्धि करने जा रहे हैं और पूरी भावना से शुद्धि करेंगे। तो मैं चाहता हूँ पूज्य श्री का हम मंगल उपदेश सुने पहले, उसके बाद हम निर्धारित करेंगे। हमारे शोधम इंद्र का निर्धारण हो चुका है, श्री कमल जी और कुबेर का हो चुका, तो आ जाएं भैया, कमल जी आ जाएं, ममता जी आ जाएं, शिवल भेंट करके आचार्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। कुबेर बनने का सौभाग्य जिन्हें प्राप्त हुआ है, आदिश्वर जी, अनीता जी, आदिश्वर जी, अनीता जी पधारें कृपया, आचार्य श्री का आशीर्वाद। अरे ताली बजाओ, इतना देखो बढ़िया महोत्सव होने जाला है, ये सब कुबेर बन करके, शोधन बन करके आ रहा है। 1 मिनट, खाली हाथ नहीं, खाली हाथ नहीं, खाली जब भी गुरु के सामने जाओ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भगवान के यहाँ, वैद्य के यहाँ, राजा के यहाँ और महाराज के यहाँ कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ये नियम है। ये करके काम करें, आइए आप आइए। हाँ आदिश्वर भाई साहब, आदिश्वर जी, अनीता जी यशोभा प्राप्त कर रही हैं, एक बार ताली बजाएं इनके लिए भी, बहुत बहुत बधाई। अब देखिए, अब यज्ञ नायक जो हवन आदि क्रियाएं होंगी, यज्ञ नायक की प्रक्रिया शुरू होनी है। ईशान इंद्र, सनात इंद्र, महेंद्र, 3-4 पद और चाहिए हमको। तो जो महानव सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। अरिहंत जय जय सिद्ध प्रभु जय जय। साधु जीवन जय जय, जिन धर्म जय जय। अरिहंत मंगलम, सिद्ध प्रभु मंगलम। साधु जीवन मंगलम, जिन धर्म मंगलम। अरिहंत उत्तमा, सिद्ध प्रभु उत्तमा। साधु जीवन उत्तमा, जिन धर्म उत्तमा। अरिहंत शरणम, सिद्ध प्रभु शरणम।
साधु जीवन शरणम जिन धर्म शरणम। अरिहंत जय जय सिद्ध प्रभु जय जय। साधु जीवन जय जय जिन धर्म जय जय। जय बोलो अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान के। कैसे बोल रहे हो, चाय हो नहीं बोलना है, जय हो बोलना है। तुम ऐसे बोल रहे जैसे चाय हो। हाथ जोड़ो, अब सही बोलोगे ना। गर्मी है, अंदर से जय नहीं निकलती है, हैं? जय बोलो अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान के। हाँ अब सही बोल रहे हो, थोड़ा सा सही बोलती है। जय बोलो आदिनाथ भगवान के, शांतिनाथ भगवान के, नेमिनाथ भगवान के, पार्श्वनाथ भगवान के, महावीर भगवान के, आचार्य विद्यानंद मुनिराज के, गणधराचार्य कुंसागर महाराज के, जैन धर्म के, जिनवाणी माता के, विश्व धर्म के, आचार्य श्री सुसागर जी महाराज की। महानुभाव, आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, यहाँ इतना सुंदर कार्यक्रम हो रहा है। नए वेदी में भगवान को विराजमान करने जा रहे हैं। पहले ये मंदिर 75% आप लोगों ने बना दिए हैं, अब 25% बनाने हैं। मंदिर जो है वो त्यागी व्रतियों के लिए, उसके लिए सब वो बना रखा है। अभी भगवान विराजमान हो जाएंगे, नए जो जगह जाते हैं तो उसका उद्घाटन होता है, तो भगवान विराजमान हो गए तो उसका उद्घाटन हो जाएगा। फिर इधर आके विराजमान हो गए तो यहाँ भी उद्घाटन होगा। तो इतना बड़ा विशाल मंदिर आप लोगों ने बना दिया है, और अब वेदी प्रतिष्ठा पूर्वक जो है भगवान को विराजमान करेंगे। कल मैंने वेदी का अर्थ बताया था, याद है? क्या बताया था, कोई बता सकते हो? याद है किसी को? कल ही बताया था ना मैंने, वेदी किसको कहते हैं, हैं? हाँ, जिनको केवल ज्ञान है। वेद अर्थ बोलो, हाथ जोड़ो, वेद अर्थात बोलो, जिनको केवल ज्ञान हो गया है बोलो, ऐसे अरिहंत सिद्ध परमेष्ठी जहाँ विराजमान होते हैं वो वेदी हैं। वेद का मतलब केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान एक होता है। कितना होता है? केवल, ओनली, ओनली नॉलेज रह जाता है। केवल क्यों बताया? मति ज्ञान में मति है, श्रुत ज्ञान में श्रुत है, अवधि ज्ञान में अवधि है, मन पर्यय ज्ञान में मन पर्यय है, और ये चारों ज्ञान एक साथ हो सकते हैं। एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं? हाथ उठाओ, चार। याद रहता है ना, चार किए थे, याद करने का तरीका है, है? बोलो, हाथ जोड़ो, मति ज्ञान बोलो, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यय ज्ञान, ये चार ज्ञान हो सकते हैं। बोलो जब, बोलो जब तीर्थंकर भगवान मुनि दीक्षा लेते हैं, मुनि दीक्षा लेते ही चार, करो, चार ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं। जन्म से उनको तीन ज्ञान होते हैं। कितने ज्ञान होते हैं? बोलो, मति ज्ञान बोलो, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यय ज्ञान। इसमें तीन ज्ञान कौन से होते हैं? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। अब दीक्षा लेते कौन से ज्ञान हो गया? मन पर्यय ज्ञान हो गया। याद रहेगा बाबू? याद रहेगा? कितने ज्ञान होते हैं?
ज्ञान तो पांच होते हैं, परंतु अभी तीर्थंकर भगवान दीक्षा लिए ना, तब का पूछ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं? और एक ज्ञान होगा तो कौन सा होगा? एक केवल ज्ञान, समझ में आ गए? एक ज्ञान होगा तो केवल ज्ञान, उसको वेद बोलते हैं। क्या बोलते? वेदना, बोलो। दर्द होता है तो क्या बोलते हैं? वेदना। डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है ना, एनेस्थेसिया देता है, शून्य करता है, क्या करता है? वहाँ मति ज्ञान को थोड़ी देर के लिए कम कर देता है। किसको कम करता है? मत जोर से बोलो, मति ज्ञान को कम करता है। भैया इसकी ज़रूरत नहीं है, हेलो बंद करो भी, जितने हैं इतने सारे बहुत सारे लगा, हाँ हमको लग रहा है, इतने लोगों को लग रहा है, हमारे तो कपड़े वालों को गर्मी लगती है। हाँ गर्मी तो आप लोगों को लगता है ना, हमारा तो दिगंबर है। जरूरत नहीं बाबू, ओम नमः। हवा बढ़िया है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, कूलर भी लगा रखा है। आप लोगों को जरूरत है, क्योंकि कपड़े पहनते हैं ना तो गर्मी ज़्यादा लगती है, तो क्या बताया मैंने? चार ज्ञान बताया। अब मैं आज आपको बता रहा हूँ प्रतिष्ठा। हाँ बहुत बढ़िया। क्या नाम है बाबू आपका? आर्जव जैन। बड़े याद रखा है तुमने, ताली बजाओ इसके लिए। बैठो बैठो बाबू। ये सुशील भाई साहब का पोता है क्या? हाँ बहुत जबरदस्त संस्कार है बाबा का, है ना बाबू? इसका बड़ा फर्क पड़ जाता है। प्रतिष्ठा बोलिए। प्रतिष्ठा जो है, आचार्यों ने बहुत महत्व बताया, प्रतिष्ठा का बहुत महत्व बताया। क्वेश्चन पूछा ही है धौला में, क्वेश्चन पूछा ही है का पदिट्टा, बोलो जोर से बोलो। छोटे बच्चों से बात करते हो ना, क्या बात है बोलना हो तो छोटे बच्चे से क्या बोलते हो? का बात है, का बोलते नहीं बोलते हो? जोर से बोलो। हाँ अब प्राकृत में जो है का है, क्या के लिए क्या शब्द है बोलते हो ना? अच्छा छोटे बच्चों को दूध पूछने के लिए क्या बोलते हो? दूध, क्या बोलते हैं? जोर से बोलो। दूध बोलते ना, दूध पिएगा, बोलते नहीं बोलते हो? हाथ जोड़ो। प्रकृति से जो उत्पन्न होता है प्राकृत भाषा है। नमोकार मंत्र पढ़ते हो ना, प्राकृत है वो, समझ गए ना? छोटे बच्चे जितने भी बोलते हो प्राकृत में बोलते हैं। अच्छा जिस बच्चे के दांत नहीं है, जिस बच्चे का दांत नहीं है उसको क्या बोलते हैं? बुब्बू, बोल के देखो। बुब्बू बोलो। बुब्बू भी बोलते होंगे ना, हैं? बुब्बू क्यों बोलते हैं? दांत नहीं ना बच्चे के, थोड़ा बड़ा बच्चा होता है तो दुदू बोलता है वो, और छोटा होता है तो क्या बोलता है? बुब्बू, क्या बोलता है? क्योंकि दांत नहीं ना, द बोलने के लिए दांत चाहिए। बोलो द, ब, ब बोलने के लिए दांत चाहिए क्या? मतलब ये विज्ञान है, साइंस है ये। हाथ जोड़ो। जैन धर्म वीतराग विज्ञान है, भेद विज्ञान है, और श्रुत ज्ञान का दूसरा नाम विज्ञान, विशेष ज्ञान, बोलो विज्ञान है। आपको कल बताया था ना हवा है, ये कौन सा ज्ञान हो गया? जोर से बोलो, मति ज्ञान। और हवा गर्म है, श्रुत ज्ञान हो गया, समझ में आ गए? यही विशेष बात है। आचार्य श्री विद्यानंद महाराज जी बोलते थे कि प्रैक्टिकल यही है, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान।
अब हम केवल ज्ञान के, केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए जिन गुण संपत्ति, बोलो जिन गुण के, जिनेन्द्र भगवान के गुणों के, बोलो हाथ जोड़ो जोर से बोलो, जिनेन्द्र भगवान के गुणों के प्राप्ति के लिए हम निज गुण में जिन गुणों को स्थापित करते हैं उसका नाम प्रतिष्ठा है। बोलो आत्मा प्रतिष्ठे, बोलो सकल प्रतिष्ठा। ये प्रतिष्ठा तिलक ग्रंथ में आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती प्रतिष्ठा तिलक में बताया। कहाँ बताया? प्रतिष्ठा तिलक में आत्मा के प्रतिष्ठा के बाद बोलो संपूर्ण प्रतिष्ठा है। कल स्वास्थ्य भी बोला था ना मैंने, स्वास्थ्य का मतलब, स्वास्थ्य का मतलब भी अपने आत्मा में आत्मा का प्रतिष्ठा है। स्वास्थ्य बोलो, भगवान कैसे बैठे? स्वास्थ्य बैठे हैं। कैसे बैठे? अपने आत्मास्थ है, अपने स्वयं में स्थिर है। कल बताया था ना मैंने, बोलो अंतरात्मा में, हाथ जोड़ो, परमात्मा के श्रद्धा को विराजमान करना प्रतिष्ठा है। क्या है? जो भगवान वहां विराजमान के मन में भी विराजमान करना, मेरे मन मंदिर में आन पधारो। अब भगवान ऋषभ देव भी बोलना, ऋषभ देव भगवान क्या बोलना है याद रहेगा? मेरे मन मंदिर में आन पधारो, बस लंबा भजन नहीं बोलना। हाँ कहीं लंबा बोलना शुरू कर दो। कहीं एक जगह गया था मैं, अम्मा छोड़ी नहीं रही, आगे बोले जा रही है। बोले अम्मा भैया आगे नहीं बोलना है, एक प्रतिष्ठा बताने के लिए बता रहा हूँ। अच्छा समाज में भी कुछ बड़े बड़े लोग होते हैं तो उनको भी हम क्या बोलते हैं? हमारे समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति बोलते नहीं बोलते, ये तो हमारे समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। तो इस तरीके के कल हम वेदी के चर्चा किए थे, आज हमने प्रतिष्ठा की चर्चा की। घट यात्रा है, कौन सी यात्रा है? हमको देख करके, घट यात्रा हमारे होते हुए देख करके अब दूसरे मंदिर वाले भी सारे कलश यात्रा करने लगे, एक तरीके के साड़ी वगैरह ले रख करके वो लोग भी करने लगे, और बड़े बड़े लंबे लंबे हजार हजार लोग भी इकट्ठे हो जाते, उससे ज़्यादा लोग भी इकट्ठे हो जाते। तो ये एक दूसरे के आदान प्रदान करते रहते हैं, एक दूसरे धर्म दर्शन जो है आपस में लेते रहते हैं। अब जैसे मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, हाथ जोड़ के बोलो, यही चैनल वाले ये आगे यूट्यूब पे डाल देते हैं, वहाँ देख करके और साधु संत भी देखते हैं, ये बढ़िया आइडिया है, वो भी शुरू कर दिया। वो जो चैनल वाला है ना वो सबका डालता है, ये जो चैनल वाले होते हैं ना ये लोग सबके देखते रहते हैं, डालते रहते हैं, उनका उनके यहाँ भी बुला लेते हैं वो लोग, ये सब जगह जाते रहते हैं। तो बोलते वो एक दूसरे को देखते हैं, समझ गए ना, एक दूसरे को देख करके सीखते हैं। बोलो प्रतिष्ठा, हाथ जोड़ो प्रतिष्ठा, भगवान के प्रतिष्ठा, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा, स्वयं की प्रतिष्ठा है। किसकी प्रतिष्ठा है? आत्मा की प्रतिष्ठा है। आत्मा प्रतिष्ठे, बोलो सकल प्रतिष्ठा। स्वयं के आत्मा को बोलो शुद्ध करने के लिए, स्वयं के मन को शुद्ध करने के लिए हम भगवान के मूर्ति के वेदी के शुद्धि करते हैं। अभी घट यात्रा पूर्वक वेदी शुद्धि करेंगे। क्या करेंगे? हाँ महिलाएं जो है ना, ये महिलाएं करती हैं, कौन करता है? हाँ ये जो वेदी शुद्धि करते हैं आप लोग महिलाएं करेंगे। जहाँ भगवान विराजमान होंगे उस वेदी का शुद्धि कौन करेगा भाई? जोर से बोलो, करेंगे ना।
तो अभी घट यात्रा के लिए जाएंगे और आप लोग वेदि शुद्धि का कार्यक्रम करेंगे, कल वेदि प्रतिष्ठा करके भगवान विराजमान करेंगे। तो वो मूर्ति परसों करेंगे, कल विधान है, पूजा पाठ है, कल याग मंडल है, हाँ तो यहीं करेंगे, अंदर करेंगे, यहीं करेंगे, ठीक है। तो याग मंडल विधान भी होगा और परसों भगवान विराजमान होंगे नए वेदी पे। तो एक ही वेदी है, एक ऊपर है, एक वेदी नीचे है, दोनों वेदियों में भगवान विराजमान होंगे, नीचे के वेदी नीचे में और ऊपर के वेदी यहाँ के यहाँ पर है। और वो क्योंकि बड़ी मूर्ति है ना, तो उठाने में फिर दोबारा लेके आने में पुरेगा। तो सब अब कार्यक्रम करेंगे, अब हम लोग आगे कार्यक्रम के लिए बढ़ते हैं। अब क्या बोलना है पता है? ओम नमः, क्या बोलना है? कितने बार? 9 बार, 1, 2, 3। कोमल स्पर्श, विश्व में शांति हो, जोर से बोलो, तन मन चेतन में शांति हो, समृद्धि हो, खुशहाली हो, आनंदमय हो, मंगलमय हो, स्वस्थ चित्त हो। चेहरे पे लगाए, आनंद का अनुभव करें, स्वस्थ चित्त का अनुभव करें। धर्म के जिनवाणी माता के विश्व धर्म के जय हो। बोले परम पूज्य आचार्य श्री श्रुत सागर जी। श्रुत यानी क्या होता है? श्रुत यानी क्या होता है? श्रुत का मतलब क्या होता है? श्रुत का मतलब सुना हुआ, जो महाराज जी ने सुनाया, सुन लिया। क्या सुनाया? जिनवाणी। तो जिनवाणी का जो श्रवण किया जाता है उसे श्रुत कहा जाता है। और पहले जिनवाणी लिखी नहीं जाती थी, पहले मुनराज इधर सुना करके उसको एक दूसरे को देते जाते थे। और अभी जो महाजी जो भक्ति करते हैं ना, जो भक्तियाँ करते हैं, वो आचार्य कुंदकुंद स्वामी से चलती है। प्राकृत भक्तियाँ आचार्य कुंदकुंद स्वामी से लगातार चलते 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 यहाँ तक आई हैं पूरी भक्तियाँ। इसी प्रकार से भगवान महावीर स्वामी की परम्परा चली आई है लगातार। हम किसकी परम्परा में हैं? भगवान महावीर स्वामी की परम्परा में हैं। तो आज हम जो कल हम विधान करेंगे याग मंडल विधान, और विधान करने के लिए शोधामिंद कुबेर तो हो चुके हैं। अब यज्ञ नायक, ईशान, सनत और माहिन, चार पात्रों की आवश्यकता है जो इस समय क्रियाविधि को संपन्न करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कोई भी सौभाग्य प्राप्त कर सकता है, कोई बंधन नहीं है, कोई बंधन नहीं है, कोई भी प्राप्त कर सकता है। तो मैं चाहता हूँ आज हम बीजारोपण करेंगे। आज कौन भाई शोधन बने, बीजारोपण कर रहे हैं, वो शोधन बनने का आदिश्वर जी कोई बने, कोई बनने का बीजारोपण कर रहे हैं। और ऐसा भाव करना है कि भगवान ये जब तक हम साक्षात स्वधा में ना बन जाएं, साक्षात कोई ना बन जाएं, तब तक हम यह कार्य करते रहें, ऐसी भावना के साथ करना है। चलिए जाओ, कौन यज्ञ का सौभाग्य प्राप्त करेगा? मैं बोली ना करते राशि निश्चित कर दें क्या? की बोली करना है? हेलो, क्या करना है? हाँ जी बताओ भैया, सुरेश जी भाई साहब बताइए कैसे का? एक बार कर लो, एक ही बोली कर ले। चलिए ये अच्छा, ये भैया बहुत बढ़िया आपके है ना प्रवीण जी, बिल्कुल भैया माइक थोड़ा तेज कर दिया जा रहा है, इसको आवाज़ नहीं आ रही। हेलो हेलो, हाँ जी, उनका कहना है कि एक बोली कर लें केवल यज्ञनायक की, फिर बाकी निश्चित कर देंगे। चलिए यज्ञनायक है ना, यज्ञ का मुख्य जो हवन होगा, क्रिया होगी, विधि होगी, वेदी शुद्धि होगी, सब में लगेगा, वो सब में कार्य करेंगे। वो ऐसे यज्ञनायक के लिए बोली शुरू कर रहा हूँ मैं। कहाँ शुरू करूँ? हेलो, सीखता करना है। हेलो छोड़ा, हेलो ग्यारह एक सौ ग्यारह। हाँ जी कोई बोल सकते हैं? हेलो हेलो, कोई बोल सकते, सब बोल सकते हैं। हाँ जी 11111। सोच लीजिए। हेलो 15515। सीखता करना है।
इसके बाद हाँ जी धर्मानुरागी धर्म सिटी श्री मनोज जी ने प्राप्त किया है, बहुत बहुत सेवा। आइए श्रीफल भेंट करें महाश्री को। आज बहन जी भी आ जाए, दोनों आ जाए। ईश्वर भाग इनके खाते में क्या है, तीन नाम और चाहिए मुझे और मैं बोली नहीं कर रहा हूँ। हेलो पूरा भगवान ब्राह्मण कर रहा है, सौभाग्य अपना है। दो नाम और चाहिए केवल, दो नाम किसी के भाव बता दे भैया। हेलो दो नाम और चाहिए, दो नाम। हाँ जी कहता हूँ, देखिए घट यात्रा होगी, बहने से ध्यान से, जिस बहन को नारी पर्याय का छेद करना हो संकल्प पूर्वक आरिका बनोगे, जरूरी नहीं कि नारी पर्याय छेद हो जाए, लेकिन जब भी आप तीर्थंकर पूरे कर सकती हैं। नहीं वो कोई भी कर सकती है, वो बोला के बोला ये पाँच अलग है, वो भी ले सकती है, वो भी ले सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी ले सकता है, नहीं कोई फाउंडेशन नहीं है, कोई भी नहीं है। कितना कितना बोला वो अखंड सौगात पूजा के लिए थी, वो अलग है, ये कर सकते हैं, ये कोई भी कर सकती है, कोई भी कर सकते हैं। कितना चलिए सर्वसम्मति से हम कर रहे हैं, सबकी सहमति से 11,000 रुपये की राशि घोषित कर रहे हैं। शुभांक 1110001 है ना, शुभांक हो गया 11,111। जोरदार तालियां जगी जी, तालियां बजाते रहे। पहला कलश आ गया है, नाम बोलते भाई विनोद जी का, दो नाम और आ गए हैं, ठीक है नाम बोलो। हाँ आयुषी आशीमा जी, आयुषी आशीमा दो नाम, तीन नाम हो गए अब, एक ही बात है। अच्छा अच्छा दो नाम हो गए। हाँ दो नाम, अनीता जैन, अनीता जैन, अनीता जैन तीसरा नाम, चौथा नाम नाम बोलिए, राजरानी जैन की बहू अंतिम मालिनी जैन, पांच हो गए। ओम शांति, ताली बजाइए, तालियां। इधर महिलाओं में जाके भी ज्यादा है, आप लोग पीछे हो, पुरुष लोग पीछे हैं, ढूंढो से। हाँ पांच ही हैं, पांच हैं, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा। चलो अब मैं अनुरोध करूँगा शोध भैया ऋषभ जी, स्वाहा।
Thank you.
कर ली चलो और
चारिणम नम मरिहंता मंगलम सिद्ध
निहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहू लोकतमा केवली प्रणतो धम्मो लोकतमो यत्कादि शरणं भवज्यामि अहंते शरणं भवज्यामि सिद्धे शरणं भवज्यामि साहू शरणं भवज्यामि केवली प्रणतम धम्मं शरणं भवज्यामि ओम रेखानाथ पुष्पांजलिं चिकेता ओम नमो निहंता लोकतमो सिद्धा नमो वयं नमो मृतुतम हरं सर्व शांतिं गुरु गुरु
आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को।